रुपए में जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, मुझे जैसा सूचना मिला हम लोग उस स्थान पे पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से बेजुबानों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर दो तीन सांप हैं, कितने हैं सर? 3% में 3 हैं। अच्छा, तो सर एक बार अपना आप नाम पता बताएं। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, जिला आजमगढ़ है। थाना कौन सा आपका? थाना अतरौलिया है। अतरौलिया, तो चलिए दोस्तों निकालते हैं और आपको दिखाते हैं सांप है कौन सा। और ऐसे में आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों, बेजुबानों को बचाने में कभी कभी खतरा हो जाता है, तो फिर खोलिए। अच्छा, इसको बाद में लगाए हैं क्या आप? ठीक, निकल लेना इसलिए लगा। आइए। अच्छा, इसमें ये जो सामान रखा गया है ये लगभग कब से रखा गया है? लगभग 10 साल। तो कौन देखा था सबसे पहले? हम ही आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप ये देखिए, पुराना सा खंडहर है, ये उपली है। उपली में दोस्तों बहुत सारे बेजुबान रहते हैं, अक्सर जाकर के दोस्तों इसके अंदर चूहा छिपता है और चूहा को खाने के लिए सांप आता है। तो चलिए अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा ये लीजिए, बस उसी को उधर करते रहिए। अच्छा, पहले यही ऊपर था जो आप फोटो वीडियोस भेजे थे? नीचे है। एक है इसमें डरना, हाँ नीचे है, नीचे है, नीचे है। इसको हटाओ ना, ये लकड़ी, हाँ पहले ऊपर से हटाना है नीचे। दोस्तों आप ये देखिए, कोने में बैठा हुआ है, काफी खाया पिया घर से है ये। दोस्तों अभी तो देखने में दो जैसा है ये, ये यहीं से आया होगा बाहर की दिशा से, हमें लग रहा है ये बाहर जंगल झाड़ियां हैं। फॉर लखनऊ एंड पंजाब नाउ, यहीं से आकर के। दोस्तों इनका पसंदीदा भोजन तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े बड़े जानवर के छोटे छोटे बच्चे को ये खाते हैं। और इनका पसंदीदा भोजन जो है वो जंगल में रहने वाले जीव, जैसे लोमड़ी हो गई, सियार हो गया, कुत्ता बिल्ली, या बड़े बड़े जानवर के छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। नहीं, कहाँ जाएगा भाई? चलिए इसको थोड़ा सा ये भी हटाना, उपलिया हटा लीजिए, नहीं तो गिरेगी नहीं लकड़ियाँ। अच्छा, इसमें बहुत दिन से रहता था ये, हटा लीजिए, खींच लीजिए पूरा। और पीछे हटा है? हाँ। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगा, डरिए नहीं। पछिया पकड़ने हैं लड़के वाले, जाने तो रहे हो। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, भैया आप तीन बताए थे ना? हाँ। दो ही तो नहीं थे? निकल गया होगा। चलिए थोड़ा दूर वाइड। ये एक लोग छड़ी उठा लीजिएगा। हाँ, अच्छा ये थोड़ा सा दूर है।
भैया हटो, क्या कर रहे हो? बैग वाला ये भैया पैक कर देते हैं। पकड़ी इसका मुंह पकड़ी जी, वैसे ही पड़े रहते हैं। चलिए इसको भैया खोलिए, आप मैं डाल देता हूँ। अरे दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ी, रुमाल पकड़े हैं आप तो। अब दूसरा खोल दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत हुई, थोड़ा सा जद्दोजहद हुआ, इन दो बिजवानों को बचा लिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय बाय। दोस्तों मौसम गर्मी का आ चुका है, और ऐसे में अपने घरों में साफ सफाई रखिए, अपने छतों पर पानी रखिए, पंछियों के लिए, तमाम बेजुबानों के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हम लोग बेजुबानों को बचाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक का काम करते हैं, लोग जिससे जागरूक हों। अपने भारत में हर साल दोस्तों 50 से 60 हज़ार लोगों की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने की वजह से, और जिसका मुख्य कारण है दोस्तों गाँव में फैला हुआ एक बहुत बड़ा अंधविश्वास। जब भी सांप काटता है तो लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकते हैं हॉस्पिटल न जा करके। तो जब भी सांप काटे सीधा आप हॉस्पिटल जाइए और लोगों को बचाइए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मैंने तो अपना काम कर दिया। इस वीडियो को शेयर करके आप भी लोगों को जागरूक करें। थैंक यू।